नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, रोबोटिक और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और माई उपचार के यूट्यूब चैनल के थ्रू आज मैं टेस्टोस्टेरोन कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं और इसका सेक्स से क्या रिलेशन होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस, जो हमारे वृषण या जो गोलियां होती हैं, जो कि लिंग के नीचे दो गोलियां होती हैं पुरुषों में, वहां से बनने वाला एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन से मैस्कुलिनिटी, हमारी जो मर्दानगी जो आती है, जो पुरुष लोगों की जो मर्दानगी आती है, वो इस हार्मोन की वजह से आती है। इस हार्मोन की वजह से हमारी दाढ़ी, मूंछ, हमारी जो आवाज़ जो महिलाओं से भिन्न होती है, हमारी जो आवाज़ थोड़ी सी मोटी आवाज़ होती है और हमारे जो जेनाइटल्स की ग्रोथ होती है, बॉडी की जो मसल मास होती है और हमारे बालों का जो पैटर्न, जो मेल पैटर्न होता है, जो बॉडी पे हेयर्स होते हैं पुरुषों की तरीके के, जो लिंग की ग्रोथ होती है, ये सब, और इवन हड्डियों की भी जो ग्रोथ होती है बॉडी की, मांसपेशियों की, वो टेस्टोस्टेरोन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। और टेस्टोस्टेरोन बॉडी में टेस्टिस जो वृषण है उसके अलावा भी कुछ एड्रिनल ग्लैंड में और कुछ स्किन में भी कुछ सेल्स में बनता है। केवल टेस्टिस ही इसका सोर्स नहीं होते हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड, एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, वहाँ पे भी कुछ बनता है, बट 99% और 98% जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस में ही बनता है। और टेस्टोस्टेरोन का हम सेक्सुअल समस्याओं में रोल यहाँ पे ये करते हैं कि जिन लोगों को लिंग के खड़ा होने में समस्या होती है, तो उनका एक कारण जो सबसे पहले लोगों के दिमाग में या कई बार जाता है कि कहीं हार्मोन की कमी तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन की कमी तो नहीं है, या सेक्स की इच्छा में कमी, लिबिडो जिसको हम कहते हैं, उसमें कमी। मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन और दूसरे टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट अवेलेबल है। नॉर्मली लैब में हम ब्लड टेस्ट देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कर लिया जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक पूरा देखें, क्योंकि कुछ बातों से, अधूरे ज्ञान से आपको सारी बातें नहीं पता चलती हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये माई उपचार का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लाइक करें। तो टेस्टोस्टेरोन का पहली मैं ये बताऊँगा कि टेस्टोस्टेरोन की यदि हमें कमी होती है तो उससे क्या हो सकता है। यदि टेस्टोस्टेरोन की कमी हमें बचपन से ही है तो उसकी कमी हो सकती है कि हमारी एक ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो कि टेस्टिस की ग्रोथ को करता है और टेस्टिस को कहता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ, जिसको हम कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन उसके लिए जो रिलीजिंग हार्मोन होता है या उसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है कि वो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। और यदि पिट्यूटरी की कोई बीमारी है तो ग्रोथ नहीं होती, तो उसकी वजह से टेस्टिस की ग्रोथ नहीं होती, और जब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता तो आपके ये जो मेल वाले जो मैंने बताए लक्षण कि बाल दाढ़ी ग्रो करना, मेल पैटर्न बॉडी के हेयर्स होना, टेस्टिस और पेनिस का ग्रोथ होना, आवाज़ में चेंजेस होना, वो नहीं होते हैं, तो और या पेनिस का साइज़ छोटा रह जाता है, तो बचपन में ही यदि ये समस्या होती है तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है और टेस्टोस्टेरोन को हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है, या उसकी कारण ढूंढ के कि यदि उसकी पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सप्लीमेंट करना पड़, ग्लैंड्स के हार्मोन को सप्लीमेंट करना पड़ता है कि जिससे उसकी ये इन सब चीज़ों की प्रॉपर ग्रोथ हो। अब एक एडल्ट में है और उसमें यदि एक एडल्ट जिनमें ये सब समस्याएं नहीं है, एडल्ट हुआ और उसको हमारे पास वो तब आता है या वो चिंतित तब होता है कि जब उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो लिबिडो यदि आपकी कम है तो कहीं ना कहीं वो टेस्टोस्टेरोन से लिंक हो सकती है कि आपको सेक्स की इच्छा ही नहीं है, सेक्स के बारे में आप उत्तेजित ही नहीं होते हो, आपके सामने महिला है या आपके वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है और आपके मन में उत्तेजित विचार नहीं आते हैं, लिबिडो नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी एक योगदान रख सकती है। और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट एक अवेलेबल है और लैब में हम टेस्ट कराते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कर लिया जाता है, इट इज़ ए कॉमन टेस्ट। लेकिन टेस्टोस्टेरोन में दो टेस्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन टोटल और एक टेस्टोस्टेरोन फ्री। टोटल और फ्री में डिफरेंस ये है कि टोटल की ब्लड में हमारी जितनी मात्रा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की है वो पूरी उसमें पता चलती है, और फ्री से मतलब कि वो वाला टेस्टोस्टेरोन का पार्ट जो कि फंक्शन के लिए अवेलेबल है,
क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब ब्लड में जा रहा होता है कुछ तो वो प्रोटीन से, जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो प्रोटीन पार्टिकल से जुड़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन है वो सेल्स यूज़ नहीं करती हैं। सेल्स वो यूज़ करती हैं कि जो ब्लड फ्लो में फ्री वाला पार्ट है। तो कई बार क्या होता है कि यदि प्रोटीन आपका कम है तो आपको टोटल टेस्टोस्टेरोन कम पता चलेगा, बट लेकिन यदि फ्री पोर्शन ठीक है जो कि बॉडी यूज़ कर रही है तो आपको कोई कमी उसकी नहीं होती है। तो टोटल और फ्री दोनों का एक रेशियो देखा जाता है और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन वाकई में कम है या नहीं। अब जवान लोगों में, युवा लोगों में जो कि शादी करने वाली एज में हैं या जिन लोगों को अभी बच्चे करने हैं, तो उन लोगों को हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो ये जवान लोग जिन लोगों को अभी बच्चे करने हैं या जिनका हमें लगता है कि फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो अपने फ्यूचर में बच्चे करना चाहते हैं, तो उनको टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट यूजुअली हम नहीं करते हैं। और ऐसा देखा गया ये चीज़। और एक दूसरा एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, बॉडी की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, मसल्स डोले शोले बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, या कहीं ना कहीं प्रोटीन के रूप में कहीं ना कहीं कुछ उनको हार्मोन, एनाबॉलिक स्टेरॉयड और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेड होती हैं, चाहे उस पर लिखा ना हो कुछ मेडिकल लैंग्वेज में, कुछ DHEA के नाम से, कुछ और नाम से सप्लीमेंटेड उनको प्रोटीन मिलते हैं। तो उनसे उनकी बॉडी तो बन जाती है, बट कहीं ना कहीं ये जब एक्सटर्नल हार्मोन्स उनको मिलते हैं तो उनके टेस्टिस और उनके स्पर्म जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो उनको इरेक्शन प्रॉब्लम्स या बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यंग लोग, जिन लोगों को आगे बच्चे पैदा करने का पोटेंशियल रखना है, तो उनको हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं। उनमें यदि वाकई में टेस्टोस्टेरोन कम है, फ्री हार्मोन भी कम है, टोटल भी कम है, तो उनको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं, जो कि पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि बॉडी का इंटरनल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, उसी को बढ़ाते हैं प्रमोट। यदि हम बच्चे को कहें कि, जैसे कई बार हम कहते हैं ना बच्चों को एजुकेशन में कि भाई बच्चे से यदि हमें काम कराना है तो बच्चे को हमें, एक तो होता है कि बच्चे को आपने रेडीमेड काम पकड़ा दिया, उसको ला के दे दिया, और एक ये होता है कि बच्चे से काम करने के लिए हम उसे उत्प्रेरित करते हैं, बच्चा खुद से काम करे सो देट वो लर्न करे, तो बच्चा उसमें उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, रादर कि हम उसे बाहर से ही, उसको मैथ्स पढ़ना है हमने उसको सॉल्यूशन दे दिया, आंसर दे दिया, लेकिन यदि हम उसको बताएं कि कैसे करना है तो वो लर्न करेगा। तो सिमिलरली लर्निंग हेयर इज़ कि टू स्टिमुलेट द टेस्ट इंटरनल टेस्टोस्टेरोन, तो उसमें हम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेडिकल टर्म्स हैं, बट SCG वाले इंजेक्शन्स हम यूज़ करते हैं। मैं ये चाहूँगा ये जो मैं मेडिकल टर्म्स और दवाइयों के नाम मैं बता रहा हूँ, ये आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें जब भी यदि ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि डॉक्टर आपके, जैसे मैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता रहा हूँ, वो और एस्पेक्ट देखता है कि आपका, जिससे आपको लॉस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, वो एस्पेक्ट आपके देख के फिर कितनी डोज में देना है वो तब आपको ट्रीटमेंट करता है। और दूसरे, जब हम लैब से टेस्ट कराते हैं, ये जो हार्मोन्स के लेवल होते हैं बॉडी में वेरिएबल होते हैं, बॉडी में एक सर्कैडियन रिदम होती है कि सुबह के समय हार्मोन का डिफरेंट लेवल होता है, दोपहर को अलग होता है, रात को अलग होता है, तो 24 घंटे में हार्मोन साइकिल वेव करती है। तो हम किस समय टेस्ट कराते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हमने उस समय टेस्ट कराया जिस समय बॉडी में हार्मोन ही कम होते हैं तो आपको कम आएगा। तो टेस्टोस्टेरोन का यदि हमें टेस्ट कराना चाहिए तो बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग आवर्स का होता है, कि मॉर्निंग में सुबह 8 से लेके 10 बजे तक या 6 से लेके 6-10 वाले टाइम पे मॉर्निंग में टेस्ट हमें कराना चाहिए। फास्टिंग की या खाली पेट होने की ज़रूरत नहीं होती, बट मॉर्निंग आवर्स में टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरे, नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यू की भी हम बात करें, कई बार क्या होता है, अब किसी का 200 आ गया या 250 आ गया, अब उसमें लैब में वैल्यू लिखी है 200 से लेके 800 तक की, और आपका 210 आया, तो आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो बॉर्डर के नीचे की तरफ है क्या है। यदि ये नॉर्मल वैल्यू में है तो नॉर्मल वैल्यू इतनी वेरी करती है, तो उसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू में भी लोअर साइड में, क्योंकि रेंज इज़ वेरी वाइड, 200 to 800। अब आपका 300 है तो कुछ लोग दवा कहेंगे कि भाई आपका तो लोअर साइड में है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं, हर चीज़ के हिसाब से वो डॉक्टर आपका एग्जैक्टली प्रॉपरली डिसाइड करता है। कई बार हम 300 पे ट्रीट कर रहे होते हैं और कई बार हम 200 पे भी नहीं ट्रीट कर रहे होते हैं,
और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कई बार कुछ घरेलू नुस्खे या एफ्रोडाइजियाक या और कुछ उपाय बताए जाते हैं कि कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाओ, अखरोट खाओ, या कुछ दवाइयाँ होती है जिसको हम कहते हैं एफ्रोडाइजियाक हैं, तो उनका उपयोग साइंटिफिकली कितना एक्चुअल में यूज़फुल है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, आपको यदि कोई चीज़ किसी चीज़ को खाने से आपको यदि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ग्रेटिफिकेशन या आपको उससे उत्तेजना बेटर होती है तो आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो नुकसान देना हो, या कुछ कई बार कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मैं ये कहूँगा कि उन दवाइयों का उपयोग तो नहीं करना चाहिए। हाँ, नेचुरल चीज़ों के उपयोग करने में यदि आप एक सामान्य मात्रा में उसको करते हैं उपयोग तो आप ले सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि हमें चाय पीने से या ग्रीन टी पीने से, अखरोट खाने से, बादाम से आपको उत्तेजना बेटर होती है तो उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई मेडिसिन लेके ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो उस मेडिसिन में एक्चुअली आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है और कि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देने के लिए कई बार उसमें लिखा कुछ और होता है और एक्चुअल उसमें कुछ और चीज़ें मिला के दी जाती है, तो उसके अपने नुकसान होते हैं। तो मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों में आपको अपने प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है। और आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या हमारे यूट्यूब चैनल माई उपचार को आप सब्सक्राइब करें। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें जिसका मैं जवाब दूंगा, या नीचे लिखे विवरण पे आप लिंक करके माय उपचार के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ। धन्यवाद।